हनुमान जी महाराज सोचने लगे क्या करे क्या करे। मुद्रिका डाली, भगवती खड़ी हो गई, त्रिजटा और हनुमान जी का संवाद, त्रिजटा घर चली गई। हनुमान जी महाराज माँ के सामने सन्मुख, माँ को अविश्वास कि माँ हम सब बंदरों के साथ आएंगे और तुझको छुड़ा के ले जाए, कि माँ ने कहा कि हे सुत कपि सब तुम ही समाना, धाम तू जान अति फट बलवान। बेटा बड़े बड़े वानर राक्षस आपको खा जाएंगे, आप लोग मत आना। माँ को संशय हुआ, तो हनुमान ने अपना स्वरूप बढ़ाया, कनक भूधरा कार शरीरा समर भयंकर अति बल दीना। महाराजी अभी हनुमान जी को आशीर्वाद दिया, अजर अमर गुण निधि सुत हो। हनुमान जी ने कहा कि माँ तेरे आशीर्वाद से मैं धन्य हुआ, मगर माँ मुझे भूख लगी। तो हृदय रघुपति हृदय चरण धरी ताप मधुर फल खाओ, भगवान को याद करते हुए मधुर फल खाइए, थोड़े कुछ खाइए बाकी सब फेंके, रखवारे उसको मारने दौड़े, तब उस सबको हनुमान जी महाराज मारने लगे, आधे अधमुगरे उठाते हुए सब रावण के दरबार में गए। रावण ने अपने पुत्र अक्ष कुमार को भेजा, अक्ष आया, अक्ष की सेना के साथ सबको मार दिया। हम पहुंचे हैं ऐसे तो हनुमान जी का एक नाम आया महाधुनि, उसको धुन लग जाती तो वो ऐसे करते रहते बस। तो कछु मार ऋषि कछु मर दसी, कछु मिली ऐसी धरी धूरी, कछु पुनि जाय प्रकारे, रघु मर कट बल भूरी, सुनि सत बदलम के शरि साना, पठयसि मैं नाद बलवाना, मारसि जन सुत बांध सुताति, देखिया कपि कहाँ कर आई, चला इंद्रजित अतुलित जोगा, बंधु निजन सुनि उपजा तो, कपि देखा दारुण बट आवा, कट कटारी गर्जा अरुदावा, अति विशाल करु एक उपाय, गिरि कठिन लंकेश कुमार, रहे महाकज तागे जय, तिन्हि निपाति ताहि सन बाजा, भीरे जुगल मानहु गज राजा, मुदिका मारी चढ़ा करु जाई, ताहि एक छन मूर्छा आई, उसि बिहोर की नहिं बहु माई, जीति न जाय प्रभंजन मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ मंगल भवन अमंगल हारी, जपत निरंतर शंभु। महाधुनि ऐसे हनुमान जी महाराज ने गर्जना की, आधे को गर्जना से मार दिया। कछु मारे सी कछु मर्दसी कछु मिलिये सी धरी धूरी, अपने शरीर के साथ रख दौड़ते हुए आधे राक्षस को मार दिया। कछु पुनि जाए प्रकारे, प्रभु प्रकट बल पूरी, भागते हुए गए, प्रभु आपके पुत्र अक्ष को उस बंदर ने मार दिया, अपने पुत्र को मार दिया। तो रावण को गुस्सा आया, क्रोध आया, सुनी सुत बद लंकेश विसाना, अपने सुत का वध हो गया है, पुत्र का वध हो गया, ऐसा सुनकर लंकेश को गुस्सा आया। अब उन्होंने मेघना इंद्रजीत को भेज दिया, पठयसि मेघनाद बलवाना, जाओ उसको मारो और उसको पकड़ के यहां लाओ, मुझे देखना है, देखिए कभी कहां कर आई, ऐसा कौन सा बंदर आ गया जो हमारी लंका में हमारे पुत्र को मार दिया,
इतना दुस्साहस करने वाला बंदर कौन है? देखिए कभी कहां करा, कहां से आया है? चला इंद्रजित अतुलित जोता, बंधु निधन सुनी उपजा क्रोध। अपने भाई को मारने वाला बंदर है, उस बंदर को पूरी तरह से पीटना है, भाई का कातिल है, तो पूरी से पूरी शिक्षा देनी। क्रोध के साथ इंद्रजीत आया। कोई भी कार्य आप द्वेष से या क्रोध से आरंभ करते हो तो उसमें सफलता नहीं होती। यहां द्वेष था कि मेरे भाई को मारा इसलिए, और द्वेष की पूर्ति के लिए चला। कभी देखा दारुण भट आवा, अब बंदर ने देखा कि तो इसलिए बढ़ाया, मुझे तो जाना है रावण को देखना है, ये रावण तो नहीं दिखता है, मगर इससे बड़ा आया कोई। कभी देखा दारुण भट आवा, कट कटाई गर्जा अर्धा। दांत को कचकचाया, रात्रि को लोग कचकचा दे दांत, दांत छके दे फिर गुजरात में और इस प्रकार यह उल्लेख है। कट कटाई, दांत चक्की दे जोर थी आवाज, दांत कचकचा के जोर से हनुमान जी महाराज ने गर्जना की। अति विशाल तो देख उपारा, बिरथ किन लंकेश कुमारा। कैसे करे उसको, कैसे पकड़े? बड़े बड़े वृक्ष उठाकर हनुमान जी महाराज फेंकने लगे, बड़े बड़े योद्धाओं के साथ है, सामने से वृक्ष आए, मगर हनुमान जी महाराज ने इतना अद्भुत स्वरूप धारण किया, जो भी आते उसको पकड़ के अपने शरीर के साथ मसल देते, मर जाते। 25-50 को पकड़ के मसल देते, सब मर जाते। तीन ही निपाती ताही सन बाजा, सबको मार के इंद्रजीत के साथ हनुमान जी महाराज करने लगे। भिरे जुगल मानहु के दिनाचा, ऐसा लग रहा है कि जैसे बड़े बड़े गज दो हाथी टकरा रहे, ऐसा भयंकर युद्ध। मुठिका मादी चढ़ा पूरी जाए, दूर से घूम के दौड़ता हुआ आता है, मेघनाथ को मुट्ठी मार के दौड़ के चला जाता है, बंदर की स्टाइल से। बंदर हम ऐसे खड़े होते हैं, दूर से दौड़ के आता है, हमारे हाथ से लेके चला जाता है। बंदर स्वभाव से हनुमान जी महाराज मेघनाथ के साथ युद्ध करते हैं। मुठिका मारी चढ़ा तरु जाए, तरु अर्थात वृक्ष जाड़, समझ नहीं पाता ये क्या करूं। एक मुष्टि का हनुमान जी ने लगाई इंद्रजीत को, तंबर चढ़ गया, जैसे मूर्छित होने लगा। ताही एक क्षण मूर्छा आई, उसको लगा कि मैं मूर्छित हो जाऊंगा, ये बंदर मुझे मार देगी। उठी भी हो लेकिन हिस बहु माया, जीत न जाए प्रभंजन जाए। फिर सोचा कि इसको बल से नहीं पहुंचा जाएगा, और कई बार लोग युद्ध करते हैं, हमारा झगड़ा हो गया, समझो हो गया, तो बीच में क्या ताकत से शक्ति से नहीं पहुंच सकते ना, पैसे से पद से प्रतिष्ठा से, फिर उल्टी जगह हमारी गलत बात करते थे, अलग प्रकार से मायावी स्वरूप से हमको बदनाम करने का प्रयास करते, हमारे पीछे गिर्द गिर्द कुछ मंत्र तंत्र जो भी है हम नहीं प्रयोग करते, मगर जो भी परेशान करने का मायावी स्वरूप से, सीधे जब आप पहुंच नहीं पाते हो तो मायावी स्वरूप से परेशान करने का। ये इतना योद्धा था मगर फिर भी हनुमान जी को पहुंच नहीं पाया, तो उन्होंने मायावी स्वरूप, मायावी विद्या का प्रयोग किया। और कलयुग में माया का प्रभाव ज्यादा है, ये युग काला है, लोभ काल है, मन काला है, तन काला, धन काला। तो इंद्रजीत लंका वाला है, गलत खाता है, गलत पीता है, गलत सोचता है, गलत कृत्य करता है, तो उसका सब कुछ काला है, और जिसका काला होता है वो काला कर्म नहीं कर सकता है, वो झगड़ा नहीं कर सकता है, ईमानदारी से नहीं झगड़ा किया, उन्होंने माया का प्रयोग किया। और कैसी माया कि जिसके सामने बलबले त्राहिमाम हो जाए, बच्चे को बना दे, बालक के ऊपर कुछ कर दे, उसको पकड़ के
खंडनी मांग ले, कुछ भी लोग कर सकते, मायावी लोग कुछ भी कर सकते। ये इंद्रजीत ने माया का प्रयोग किया और उन्होंने ब्रह्मा जी को प्रार्थना की कि ब्रह्मा जी मुझे आपका शस्त्र चाहिए, और ब्रह्मास्त्र उन्होंने साध लिया था। तुलसी लिखते हैं, ब्रह्म अस्त्र ते ही साधा कभी मन किन्ह विचार, जो न ब्रह्म शर्मा नहीं महिमा मिटे अपार, ब्रह्म बाण कपि कहु तेहि मारा परिदहि बाण कटक संधा, तेहि देखा कपि मूर्छित भयो नाग पास बाँधि ले गयो, जासु नाम जपि सुनहु भवानी भव बंधन काटे नर ज्ञानी, तासु दूत करि बंद तरु आवा प्रभु कारज लगि कपि बंधावा, कपि बंधन सुनि निसि चर धाय कौतुक लागि सभा सब आय, दस मुख सपाति कपि जाय कहि न जाय कछि अति प्रभु ताय, कर जोरे सुर दिसि पति नीता प्रकुटि बिलोकक सकल सब, देखि प्रतापन कपि मन शंका जीवित गरुड अशंका, मंगल गवन अमंगल हारी जवहुसु दशरथ अधिर बिहारी, मंगल गवन अमंगल हारी जपत निरंतर शंभु गोदा। माया का प्रयोग किया, ब्रह्मास्त्र साधा, जैसे ब्रह्मास्त्र मेघनाद के हाथ में देखा, हनुमान जी महाराज ने सोचा ये ब्रह्मास्त्र लेके आया, मुझे ब्रह्मास्त्र से क्या लेना है। मोहिन बाधे कछु लाजा, मुझे सोचा कि ब्रह्मा जी इतने बड़े देव हैं और ब्रह्मा का सम्मान रखना चाहिए, तो ब्रह्म अस्त्र ते ही साधा। कपि ने मन में विचार किया कि जो मैं ब्रह्मास्त्र का अपमान कर दूंगा तो ब्रह्मा का सम्मान मिट जाएगा, जो न ब्रह्म शर्मा नहु महिमा मिटे अपार, उसकी महिमा मिट जाएगी। तो ब्रह्मा जी की महिमा रखने के लिए हनुमान जी ने नक्की किया कि ब्रह्मास्त्र से हमें मूर्छित होना है। ब्रह्मास्त्र ने मूर्छित नहीं किया, हनुमान जी स्वयं मूर्छित हो गए। ब्रह्म बाण कपि कहु तेहि मारा परितहु बाण कटक संधारा, तेहि देखा मूर्छित कपि भयो। ब्रह्मास्त्र देखा कि कपि मूर्छित हो गया है, तो दो पांच लोग को भेजा, हिला के देखो, कन्फर्म हो गया कि मूर्छित है। फिर वो नजदीक आया, फिर और एक बाण का प्रयोग किया, उसको कहते नागपाश, नागपाश से बांधकर उसको ले गया। यहां भगवान शंकर भगवती पार्वती को कहते हैं कि जगदम्बा आप इस कथा को सुनकर कभी भी चलित मत होना या तो मन में शंका मत करना, क्योंकि जासु नाम जपि सुनहु भवानी भो बंधन काटे नर ज्ञान, जिसका नाम लेने से मात्र व्यक्ति के भव भव के बंधन कट जाते हैं, मिट जाते हैं। ऐसे प्रभु राम के दूत को भला कौन बांध सकता है, तासु दूत की बंधतर आवा प्रभु कारज लगी कभी ही बंधावा, ये तो प्रभु के कार्य के लिए कभी बंधा हुआ है, वरना हनुमान जी महाराज को इस संसार में कोई बांध नहीं सकता। कई बार मंदिर में हम जाते हैं, झाड़ू मारते, पोछा मारते, ऊंचा कैसे करते, हमारे यहाँ 50 नौकर काम करते हैं, डॉक्टर लोग, बड़े बड़े लोग, सत्ता की रेलम जलम, मगर मंदिर में आते तो क्यों करते हैं। प्रभु कार्य लगी, ये प्रभु का कार्य है इसलिए हम करते हैं। यदि आपको 50 रुपया कल लाख का दे हमारी होटल पे हो तो जाएगा, 150 रुपया देंगे, कचरा कौन उठाएगा।
हनुमान जी महाराज तो प्रभु के कार्य के लिए समर्पित है। तो प्रभु का आरज लगी कभी बंधा कभी बंध गए, और जैसे पता चला कि वो बड़ा भयंकर बांदर काफी राक्षसों को मार दिया, वो बंधा गया है, तब सभी लोग अपने घर से निकले। लंका वाले अपने घर से दरवाजा खोले, कपि बंधन सुनी निशिचर धाये, कौतुक लागी सभा सब आए। उसको पता चला कि इंद्रजीत ने उसको बांध लिया, पकड़ लिया और रावण की सभा के सामने रखा गया है। तो सब लोग, पूरी लंका के लोग आए, और तमाशा को टेढ़ा नहीं होता है। तमाशा होता है ना, वहां आपको निमंत्रण नहीं भेजना पड़ता, कथा में 10 बार भेजो। तो यहां लोग अब हनुमान जी के दर्शन के लिए आए।